नमस्कार, ग्राउंड टीम मौजूद है सफेदो थाना के अंदर और आप यहाँ देख सकते हैं सामने जो सफेदो का एक मशहूर ज्ञानीराम हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर हैं हमारे साथ डॉक्टर भट्टी। अभी सफेदो पुराना बस स्टैंड पर इनका जो हॉस्पिटल है ज्ञानीराम हॉस्पिटल, वहाँ कुछ युवकों ने इनके साथ मारपीट की है और अब इसी की शिकायत को लेकर ये थाने में आए। यहाँ देख सकते हैं उनके हाथ पे चोट भी, डॉक्टर दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि डॉक्टर साहब के हाथ की उंगली पर काफ़ी गहरी चोट भी है जो पट्टी की हुई है इसे। जो जानते हैं डॉक्टर भट्टी से कि क्या आज ताज़ा जो अभी घटनाक्रम हुए हॉस्पिटल के अंदर जिनके साथ मारपीट की गई है लॉकडाउन के दौरान, तो कौन वो युवक थे और किस बात को झगड़ा लेके हुआ है ये अपने दर्शकों को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब क्या मामला था आज आपके हॉस्पिटल में जो मारपीट आपके साथ युवकों ने की है, कहाँ के वो युवक है और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ है जो आपको चोट तक लगी हुई है जब थाने में शिकायत करने आए? एक्चुअली शाम को ओपीडी का टाइम था, मैं अपना रूटीन में ओपीडी कर रहा था, टाइम अबाउट साइकिल में 5:30 का टाइम था जी। तो दो युवक आए, उन्होंने देखा डॉक्टर साहब फ्री हो गए हैं, उन्होंने मेरे अंदर ओपीडी में प्रवेश किया और अंदर से कुंडी मार ली। कुंडी मारने के बाद उन्होंने मेरे साथ आपके कैबिन में आने के बाद जी कैबिन में आने के बाद उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया, मेरे साथ बदसलूकी की, हाथापाई की। किस बात को लेकर ये झगड़ा हुआ? उन्होंने मेरे से 5-6 लाख रुपए की डिमांड की और उन्होंने कहा कि अगर आपने नहीं दी तो आपको जान से मार देंगे और आपको जान से गोली से जान से मार दिया जाएगा। कितनी फिरौती मांगी सर? उन्होंने 5-6 लाख रुपए की डिमांड की है। अच्छा, और क्या उसी टाइम मांगे थे पैसे? अभी तो जी उन्होंने कहा कि आप हमें 5-6 लाख रुपए की जरूरत है, हमें 5-6 लाख रुपए दो नहीं तो आपको हम जान से मार देंगे और आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो हमने तभी जो है हमारे स्टाफ ने उनको देखा, स्टाफ ने उनको काबू में करा, हमने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया और पुलिस की टीम ने मौके वहां से दबोचा और वो पुलिस की गिरफ्त में है। तो कितने युवक थे डॉक्टर साहब? दो युवक थे, बूढ़ा खेड़ा गांव से बताए जा रहे हैं। कोई नाम वगैरह पता लगा उनका, पहचान हुई है? वो तो पुलिस भी पहचान कर रही है, पुलिस मामले की तस्दीक कर रही है और नाम की भी जल्दी पहचान की जाए हो जाएगी। तो जो है ये बड़ी स्पीडो के लिए बड़ी खतरनाक न्यूज है। पहले एक डॉक्टर को स्पीडो में गोली मार दी गई थी, उसके बाद एक दो डॉक्टर से फिरौती मांगी गई जो स्पीडो से प्लान कर चुके हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अब स्पीडो पे जो है लगातार ये घटना घटती जा रही है और हम भी ऐसे जो है काम नहीं कर पाएंगे, हमें भी प्लान करना पड़ेगा। तो जैसे कि आपसे फिरौती मांगी गई है तो क्या पहले जो कोई डॉक्टर है हॉस्पिटल छोड़ के चले गए, क्या कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है? हाँ बिल्कुल, मनोबल टूटता है। स्पीडो के अंदर दो डॉक्टर, तीन हॉस्पिटल पहले बंद हो चुके हैं, तीन डॉक्टर जो स्पीडो के जान थी पहले वो जा चुके हैं, वो फिरौती के चक्कर में गई है, उनसे फिरौती मांगी गई थी। वो फिरौती के चक्कर में जो है ना, फिरौती के चक्कर में स्पीडो से लोगों को जाना पड़ा, जाने के लिए मजबूर करना हो गए वो लोग और मजबूर होकर स्पीडो से वो जो निकले हैं। तो सर अभी इस ताज़ा घटना को लेकर जो आपके साथ घटना हुई है, जो फिरौती का फिरौती मांगी गई है आपसे, जो फिरौती का मामला आया अभी ताज़ा जिसके लिए शिकायत करने पुलिस थाने पहुंची, चोट भी लगी हुई है आपको और हॉस्पिटल के अंदर हौसले बुलंद है पर आज के हॉस्पिटल के अंदर आपके कैबिन में घुस के आपसे फिरौती मांगी, एट ए टाइम कहा गया कि आपको अभी पैसे दिए जाए जी। तो पुलिस प्रशासन से सर क्या मांग करते हैं? पुलिस प्रशासन से मैं डिमांड करता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को बख्शा जाएगा तो जो है फिर आगे और भी किसी के साथ बदतमीजी करेंगे और फिरौती की डिमांड करेंगे। हमारी पुलिस प्रशासन से, माननीय SHO साहब से, माननीय डिप्टी साहब से, माननीय SP साहब से हमारी हाथ जोड़कर नमन निवेदन है कि उनको जो है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस मामले को जो है बहुत गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि ये मामला जो है सामान्य नहीं है, ये मामला बहुत ही गंभीरतापूर्वक मामला है और इस मामले को जो है गंभीरता से लिया जाए और इसकी संपूर्ण जांच करके और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सख्त से सख्त सजा दी। डॉक्टर भट्टी हैं जो कह रहे हैं उनके और आरोपी हैं जो फिरौती मांगने आरोपी उनके खिलाफ पुलिस से ये गुहार लगा रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि अपराध पे लगाम लगाया जाए। सफेदों के अंदर अब पिछले 15-20 दिनों से आपको सनद रहे कि दर्शकों को बताना चाहेंगे 15-20 दिनों में सफेदों के अंदर हत्या, लूटपाट, डकैती, मर्डर, बलात्कार जैसी अनेकों घटनाएं हुई हैं लेकिन अभी तक उन पर काबू नहीं पाया जा सका और जो अपराधी है खुलेआम अपराध को अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि आज ताजी घटना हम आपको दिखा रहे हैं ज्ञानीराम मेमोरियल के हॉस्पिटल के जो संचालक हैं डॉक्टर KC भट्टी, उनके साथ भी एक फिरौती मांगने की घटना सामने आई, इस बारे में पुलिस से बात करेंगे कि इस बारे में पुलिस का अभी क्या कहना है। थैंक यू सर। हम मौजूद हैं हमारे साथ सिटी थाना जो प्रभारी हैं देवीलाल जी से बात करेंगे ताजी घटना को लेकर, इस बारे में इनका क्या कहना है। सर अभी एक फिरौती मांगने का मामला आया ज्ञानीराम मेमोरियल के जो संचालक डॉक्टर KC भट्टी हैं, अभी उन्होंने बताया कुछ युवकों ने कैबिन के अंदर घुस के मारपीट करी है, उनसे 5-6 लाख रुपये फिरौती मांगी है। सर इसमें अभी वो थाना में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कोई फिरौती का मामला नहीं है, बिना वजह की बात ना की जाए। ये दो लड़के हैं बूढ़ा खेड़े के, ये शराब पी करके जो है ना उसके अंदर गए थे, ये कह रहे हैं मेरा पेट दर्द हो रहा था, मैं दवाई लेने के लिए वहाँ, इन्होंने डॉक्टर के साथ बदतमीजी की है, उसके साथ मारपीट की है, कोई थप्पड़ मुक्के इनके लगे हैं, बाकी कोई फिरौती जैसा कोई मैटर सर, डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि मेरे कैबिन में घुस के 5-6 लाख की फिरौती मांगी गई। नो, कोई फिरौती जैसा कोई मैटर नहीं है, हमारे पास डॉक्टर की खुद की कंप्लेंट है,
आप उसको देख सकते हो, फिरौती जैसा कोई मैटर नहीं है, फिरौती की बात बेवजह है। जो उचित कार्रवाई है उस संबंध में FIR लॉज की जा रही है और आके उसके विरुद्ध कार्रवाई। जो डॉक्टर द्वारा आपको शिकायत दी गई उसमें कंप्लेंट में क्या लिखा है? कोई कंप्लेंट में, कोई फिरौती का मैटर नहीं है, बिना वजह से जो है ना अफवाहें फैलाना गलत है। तो अभी तक पुलिस ने इसमें किस तरह क्या कार्रवाई की है सर? पुलिस FIR लॉज कर रही है, उचित कार्रवाई अमल में ला रही है। थैंक यू सर। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।